हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विद अतुल सिंह चैनल। आज हम देखते हैं टॉपिक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो यहाँ पे देखते हैं दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। ये दोनों फ्रेम इनिशियली स्टार्टिंग में जब टाइम आपका ज़ीरो रहेगा, ठीक है, एट टाइम ज़ीरो, तो इन दोनों के जो ओरिजिन है ओ और ओ डैश, ओरिजिन ओ डैश कोइंसाइड्स विद ओ, ओरिजिन ओ एट टाइम इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है। तो तभी क्या होता है उस टाइम पे आपका, यहाँ पे जब आपका टाइम ज़ीरो रहेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अ फ्लैश ऑफ लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सिचुएटेड एट कोइंसाइडिंग ओरिजिन्स, ठीक है ना। तो एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो जब ये दोनों फ्रेम साथ में रहेंगे तो वहाँ पे मैं फ्लैश ऑफ लाइट रख दूंगा, मतलब एक लाइट का सोर्स रख दूंगा। तो उससे जो आपका रे ऑफ लाइट निकलेगा दोनों फ्रेम में जाएगा, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोग्रेस ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रोग्रेस ऑफ रे ऑफ लाइट डिस्क्राइब रिलेटिव टू फ्रेम एस विल बी, तो प्रोग्रेस ऑफ रे ऑफ लाइट इन फ्रेम एस क्या होगा आपका, सी टी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब प्रोग्रेस ऑफ रे ऑफ लाइट डिस्क्राइब इन फ्रेम एस डैश, प्रोग्रेस ऑफ रे ऑफ लाइट इन एस डैश क्या होगा आपका, यही होगा, सिर्फ डैश लगा दो यहाँ पे, सेम सिमिलर, खाली यहाँ पे जो सी है उस पर डैश नहीं आएगा। क्यों, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट इन एवरी फ्रेम, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, ओके। सो आगे है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम, ठीक है। मतलब अगर मेरा ऑब्जर्वर एस फ्रेम में रहेगा तभी, तो ओरिजिन आपका ओ डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जर्वर इधर रहेगा तो ये जो आपका ये फ्रेम है ये आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी एक्स इजिक्वल्स टू वी टी, सिमिलर है, ये देखिए ये जो एक्स है इतना एक्स होगा आपका, वी टी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वी टी इजिक्वल टू जीरो। अब रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम, ओरिजिन ओ डैश इज नॉट मूविंग, है ना। तो मेरा जो एस डैश फ्रेम है ओरिजिन ओ डैश के हिसाब से मूव तो नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा कवर्ड, एक्स डैश इजिक्वल टू जीरो। तो ये देखिए दोनों, इन दोनों के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस बी टी, है ना। इस जीरो के बदले आप एक एक्स डैश लगा दिए, एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आर विल बी सम कॉन्स्टेंट, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब आगे सिमिलर वैसे ही है, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब आपका ऑब्जर्वर आपका एस डैश फ्रेम है तो आपका ओरिजिन ओ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी माइनस वी, है ना, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स 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 डैश एक्सिस। जैसे ये देखिए आपका, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर रहेगा तो ये जो एस डैश फ्रेम है ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, विद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, विद वेलोसिटी माइनस वी यहाँ पर रहेगा, है ना। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी एक्स डैश विल बी माइनस वी टी डैश। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये प्लस हो गया। अब सेम अगर मेरा ऑब्जर्वर एस फ्रेम में रहेगा तो एस फ्रेम के हिसाब से ही जो ओरिजिन ओ रहेगा वो तो मूव नहीं करेगा, है ना। तो डिस्टेंस कवर विल बी एक्स इजिक्वल टू जीरो। तो ये इस दोनों के, इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हो गया आपका एक्स इजिक्वल्स टू आर डैश एक्स डैश प्लस बी टी डैश, तो वेयर आर डैश इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आर डैश कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री है, एक्स डैश की जो वैल्यू है, ये जो एक्स डैश की वैल्यू है यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर थ्री इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टी टी डैश इज इक्वल्स टू आर टी प्लस एक्स बाय वी वन अपॉन आर आर इंटू आर डैश माइनस वन, ये आपका इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। यहाँ पे टी डैश मिल गया और ऊपर आपका एक्स डैश। अब आगे हमें क्या पता है कि देर इज नो रिलेटिव मोशन अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, है ना। अब वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो हमको जो अभी तक इक्वेशन मिला वो क्या मिलेगा, एक्स डैश इक्वल्स टू आर एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है अलॉन्ग वाई एक्स अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, टी डैश इज इक्वल टू दिस। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो आर और आर डैश जो आपका कॉन्स्टेंट आया था वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, आपका इक्वेशन टू देख लीजिए पहले क्या था, ये था एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जो इक्वेशन नंबर सिक्स है इसमें क्या है आपका, एक्स डैश की वैल्यू और टी डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो मैंने एक्स डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वाई डैश तो आपका वाई रहेगा, है ना, वाई डैश विल बी वाई, जेड डैश विल बी जेड,
वही रहेगा, सी स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर, टी डैश की वैल्यू डालो, उसका द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को ओपन करके, इसका स्क्वायर को ओपन करके सॉल्व करेंगे, तो ये इस फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर, और ये पूरा अंदर एक ब्रैकेट रहेगा कॉमन, एक्स स्क्वायर इन सब में से कॉमन रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक और रहेगा -2xt कॉमन रहेगा इन सब में से, प्लस टी स्क्वायर और ये कॉमन, मतलब इन सब में से टी स्क्वायर कॉमन रहेगा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो आपका इक्वेशन, ये वाला, ये जो इक्वेशन मिला आपका, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो पूरा आपका इक्वेशन मिला है इसको हम कंपेयर करेंगे 1 से। तो 1 आपका इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो 1 है, तो यहाँ पे इसका जो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर तो 1 1 इज इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखिए -2xt, इसका तो यहाँ पे, अगर इसको मैं यहाँ पे जो -2xt है इसका कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में 0 रहेगा, तो मतलब इस दिस इज इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ, है ना। और टी स्क्वायर के साथ क्या है ये सी, ये वाला, ठीक है, तो इसके बदले दिस इज इक्वल टू -c² मैं लिख सकता हूँ। तो मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसका जो है -2xt, इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0, और जो टी स्क्वायर है इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब इसके साथ क्या है -c² है ना, तो -c², ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 9 को सॉल्व करेंगे तो आर मिलेगा यहाँ से, इक्वेशन 8 को सॉल्व करेंगे तो आर डैश मिलेगा। सॉल्विंग इक्वेशन 9, आपका इक्वेशन 9 ये था, उसमें से आर स्क्वायर कॉमन है, तो आपका आर की जो वैल्यू मिलती है वो सॉल्व करने के बाद 1/√(1 − b² / c². अब इक्वेशन 8 को आप ले लो, इक्वेशन 8 आपका ऐसा था कुछ, है ना, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लो, फिर आर को उधर भेजो, फिर वी ए रहेगा, फिर ठीक है ये बचेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आर डैश इज इक्वल्स टू 1/√(1 − b² / c² इंटू आर। अब यह आर आपका क्या आया था ऊपर, ये आया था, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हो ये वाला, तो आपको जो आर डैश है वो भी यही मिलेगा, ठीक है, 1/√(1 − b² / c² मतलब यहाँ पे आर और आर डैश ये दोनों की वैल्यू सेम है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 10 ले लेता हूँ और इसको मैं 11 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल्स टू, ये आपका दोनों की वैल्यू आया है इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में आपका एक्स डैश इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस बी टी आया था, तो आर के बदले आप ये सब्सटीट्यूट कीजिए, तो एक्स माइनस बी टी अपॉन ये आएगा। वाई डैश इज इक्वल टू वाई था, जेड डैश इज इक्वल टू जेड था इक्वेशन नंबर 6 में, अब टी डैश इज इक्वल्स टू आपका ये था। तो इसमें भी अगर आर और आर डैश की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इजिली हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन मिलेगा, टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √(1 − b² / c². इन दोनों का जो नीचे का जो है वो सेम ही रहेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। सो वी हैव एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी टी अपॉन दिस, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू, तो ये जो आपका पूरा जो है ये इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन है, दीज आर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स, है ना, एक्स वाई जेड, ये आपका स्पेस हो गया और ये टाइम हो गया, तो स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिए आपका ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।